रंजना स्वीट किचन में आपका स्वागत है। तो आज हमने बनाया है राजस्थानी नाश्ता, जो हर घर में सुबह यही बनता है। जीरे और नमक को अच्छे से पीस लेंगे। अकेले जौ का भी बना सकते हैं, गेहूं का भी बना सकते हैं, दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। यह है घाट, हम घाट बोलते हैं। घाट में डालेंगे छाछ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि घाट ठंडी हो चुकी है तो वो जम गई है, तो चम्मच से बराबर नहीं होएगी, तो हमें इसको हाथ से ही अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये राबड़ी पीने का जो स्वाद है ना, एकदम अलग ही है। हमारे घर में जब ये गर्मा गर्म बनती है तो सुबह सुबह इसको घी के साथ खा लेते हैं, जो बच जाती है, हम ज़्यादा ही बनाते जो बच जाती है उसमें हम छाछ डाल के रख देते, जब बच्चों को मन चाहे तब गिलास भर के पीते रहते हैं। फिर ये राबड़ी के ऊपर जीरा, बहुत ही टेस्टी बनी है। चलो ये कैसे बनाई है घाट हमने स्टार्ट करते हैं। 3 लोटी हमने पानी डाल दिया है और पानी को एक अच्छा सा उबाल देंगे। ये है जौ, जौ को अच्छे से धो लेंगे। और 1 बड़ी कटोरी हमने जौ लिया और 1 छोटी कटोरी हमने मूंगी डाली है। और ये बहुत, जौ और मूंग दोनों ही बहुत ही ताकत देता है, पौष्टिक से भरा है। जो जौ का दलिया खा लेगा ना, वो बहुत ही बीमारियों से दूर रह सकता है। मूंग और जौ दोनों ही ताकत वाले हैं। अच्छे से पानी उबल गया है तो हमने दलिया डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। ढक्कन आधा ही लगाया है, पूरा नहीं लगाएंगे क्योंकि उबल के बाहर आ जाएगा। आधा ही ढक्कन में धीमी आंच पे हम पकाएंगे। तो हमारी घाट बनके अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये गर्म गर्म घाट हम घी के साथ सर्व करेंगे। जब हो काम ज़्यादा और लोग हो ज़्यादा तो यही वाला नाश्ता बनाएं। चलते फिरते भी ढेर सारा नाश्ता बना के तैयार कर सकते।